भागलपुर समेत पूरे बिहार में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। भागलपुर और पटना में डेंगू के सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। शहर में डेंगू बीमारी को लेकर अफरा तफरी का माहौल हो गया है। इस पर लगाम लगाने को लेकर पूरा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने मायाकंज अस्पताल और सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि डेंगू से बचाव के लिए सदर अस्पताल और मायाकंज अस्पताल के डॉक्टर ने पूरी तैयारी कर रखी है। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायाकंज में 100 से ज्यादा बेड बनकर तैयार है। वहीं सदर अस्पताल में 30 बेड की तैयारी की गई है। निरीक्षण किया गया है। देखिए, डेंगू के केसेस जो हैं वो भागलपुर जिले में और खास करके भागलपुर शहर में बढ़ रहे हैं। उसको लेकर के हम लोगों ने पहले भी बैठक की थी। सदर अस्पताल में भी 25 बेड की व्यवस्था की गई है और जो हम लोगों का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल मायागंज है यहाँ भी 100 बेड की व्यवस्था करने के लिए हम लोगों ने कहा था और उस कड़ी में सुपरिटेंडेंट साहब और उनकी टीम ने प्रयास भी किया है। लेकिन हम लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है और जो आज स्थिति हम लोगों को देखने को मिल रही है कि बेड्स की संख्या कम पड़ गई है। कई सारे मरीजों का इलाज जो है वो लॉबी में हो रहा है। तो आज हम लोगों ने यह निर्णय लिया है और इस संबंध में अपर मुख्य सचिव महोदय से भी बात हुई है। जो हम लोगों का प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर जो बना हुआ है कैंसर के इलाज के लिए वो बन करके तैयार हो गया है। छोटा मोटा काम उसमें बचा हुआ है तो उसमें मैंने आज सुपरिटेंडेंट साहब से कहा है कि उसको फुल फ्लेज चालू करा करके 100 बेड की जो वहाँ व्यवस्था है उसमें डेंगू के मरीजों का इलाज हो और ऐसे जितने मरीज जो उनको बेड नहीं मिल पा रहा है वार्ड में उनको इस प्री फैब्रिकेटेड जो पूरा ये स्ट्रक्चर का वार्ड बना हुआ है उसमें शिफ्ट किया जाए और ये आज शाम तक हम लोग करा लेंगे। और ये 100 वार्ड की जब व्यवस्था अतिरिक्त व्यवस्था हम लोगों के पास हो जाएगी, वैसे MCH में भी इन लोगों ने 30 बेड लगभग दिया है, 30 या 38 बेड, लेकिन ये 100 बेड का प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर का बना हुआ जो पूरा ये एक सेटअप है उसको स्टार्ट करने की ज़रूरत है। तो ये आज शाम तक हम लोग स्टार्ट करा देंगे जिससे जो है मरीजों को भी सुविधा होगी और डॉक्टर्स को या पैरामेडिकल स्टाफ को भी उनको अटेंड करने में किसी तरह की समस्या नहीं होगी। ये आज शाम तक हम लोग इंश्योर करा देंगे।